नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बिना वेजिटेबल के, बिना गोभी, बिना आलू के मंचूरियन की रेसिपी बताएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक पैन में एक चम्मच तेल डालेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी हरी मिर्ची और साथ में डाल देंगे एक कप पानी और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है। थोड़े से हम इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स और साथ में डाल देंगे एक कप सूजी और साथ में एक कप बारीक कद्दूकस किया हुआ आलू। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे, 2 से 3 मिनट तक सूजी को अच्छे से पका लेंगे। तो गाइस, आज के जो मंचूरियन है वो बहुत ही अच्छी रेसिपी, बहुत ही यूनिक रेसिपी होने वाली है, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो सूजी को अच्छे से पकाने के बाद हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे बिल्कुल एक डो की तरह मैश कर लेना है। 1 से 2 मिनट तक आप इसे मैश करेंगे तो ये बिल्कुल डो की फॉर्म में आ जाएगा। एंड ये देखिए, इस तरह से मैश करने के बाद हमें इसके इस तरह से छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं। गाइज, आप इस मंचूरियन को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है। तो अब हम इन बॉल को फ्राई करेंगे जैसे हम नॉर्मली वेज बॉल्स को फ्राई करते हैं। तो 3 से 4 मिनट में ये बॉल्स भी फ्राई हो जाएंगे और उसके बाद हम इसकी सॉस बना के तैयार करेंगे। तो गाइज, ये मंचूरियन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। जब घर में कोई भी सब्ज़ी ना हो तब आप इसको बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगी, बहुत झटपट बन जाएगी। तो देखिए, 3 से 4 मिनट में बॉल्स जो है वो अच्छे से फ्राई हो गई है और आप देख सकते हैं आप एक साथ कितने सारे बॉल्स फ्राई कर सकते हैं। तो अब हम एक और पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे, उसमें अदरक लहसुन डालेंगे बारीक बारीक काट के, और जैसे ही अदरक लहसुन फ्राई हो जाते हैं हम इसमें डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, साथ में बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को आप स्किप भी कर सकते हैं और अच्छे से उसको कुक करेंगे। साथ में डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मिला देंगे अच्छे से। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉसेस। तो ये डाला है मैंने यहाँ पे 2 चम्मच रेड चिली सॉस, 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस और साथ में 2 चम्मच सोया सॉस, साथ में 1 चम्मच इसमें डाल दिया है विनेगर। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और लास्ट में डाल देंगे ये कॉर्नफ्लोर की स्लरी। तो स्लरी डालने से जो हमारा बैटर है, जो हमारा लिक्विड है, वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। लास्ट में मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है ताकि इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा आए। साथ में डाल दी है थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे अपने जो हमने सूजी के बॉल्स बनाए थे फ्राई करके, वो अच्छे से डाल देंगे। इन्हें हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक करना है। साथ में यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाल दिया है। तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से लीड से कवर करके कुक करेंगे। तो देखिए, 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो गई है और हमारी मंचूरियन जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। तो गाइज़, आप ये सूजी के मंचूरियन एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। बच्चों के लिए भी आप टिफ़िन में इसको बना के दे सकते हो, उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। सो थैंक यू, मिलेंगे न्यू रेसिपी में। बाय बाय।